आज हमारा रैंक पुशिंग का नौवां दिन एंड हमेशा की तरह मैं उतर रहा था इवेंट वाली लोकेशन पे, क्योंकि इस लोकेशन पे आने का एक फायदा तो ये, आप ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाते हो, अगर आप गलती करते हो मर जाते हो फिर भी आपको एक चांस मिलता है। उतरते यहाँ पर मैं देखता हूँ मैं पहले कूद चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं गन लूटने लग गया था, मुझे लगता है शायद बंदे नहीं आए, तभी मुझे साउंड आता है भाई साहब भसड़ मच जाती है और यहाँ पर देखो क्या होता है। अब जो बंदे थे आसपास ही थे बट वो अंदर नहीं आ रहे थे, बाहर ही घूम रहे थे। मैं दूर वाले को मारने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे नजदीक वाले बंदों का साउंड आता है, ये आपस में लड़ रहे हैं, मैं घुस जाता हूं। एक को तो मैंने मार दिया बट ये बंदा किसी और से लड़ रहा था, अब उसकी बारी थी, तभी मुझे पीछे से साउंड आता है, पीछे वाले को मारता हूं एंड तभी एक और। तीन किल अपने हो गए थे, अब यहां पर मुझे सामने वाले को देखना था। अब मुझे ये भी डर था कि मेरे छत पे कोई ना हो, क्योंकि इस वाली इग्लू के छत पे काफी बंदे कूदते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं रीलोड वगैरह करके चेक कर लेता हूं कोई ऊपर है तो नहीं, उसके बाद आगे पुश करेंगे। अब ऊपर मैं देख चुका था कोई भी नहीं था तो मैंने सोचा चलो अब दूर वाले को देखते हैं जिसको मैं पहले मार रहा था। तो यहां पर मैं लेटता हूं, लेटते लेटते आगे जाता हूं देखने के लिए, तभी मुझे बंदा दिखता है, मैं मारने की कोशिश करता हूं। भाई साहब ये क्या हुआ मेरे साथ, भाई डैमेज इतना दिया फिर भी किल कहीं से नहीं मिला। तीन बंदे थे सामने, तीनों में से एक को भी नहीं मार पाया। अब एक बंदे पे मैं हार्ड स्कोप कर लेता हूं और इतनी दूर में रेड डॉट से एक एम पे क्यों भाई, क्यों ऐसी गलतियां करता हूं मैं भाई। उसी टाइम डीपी निकाल लेता तो दो किल भी आराम से हो जाते मेरे, बट कोई बात नहीं आगे देखो क्या होता है। अब जिस बंदे पे मैं हार्ड स्कोप करके बैठा था वो मुझे हल्का सा दिखता है एंड इस वाले बंदे की चटनी हम आराम से बना देते हैं। इस वाले बंदे की चटनी बनाने के बाद मैं सोचता हूँ थोड़ी सी लूट वगैरह करके इधर से निकलते हैं। अब झाड़ियों के पीछे मुझे एक बोट दिखता है, जिस वाले बोट को मैं आराम से मार देता हूँ। इस वाले बोट को मारने के बाद यहाँ पर अपने 5 किल हो जाते हैं। जो नजदीक वाला बंदा था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, वो मतलब निकल ही नहीं रहा था, किस गुफा में घुस गया था नो आइडिया, बट मैंने सोचा चलो इधर से निकलते उस पर पुश करते हैं। अब उस वाले बंदे पे मैं पुश करने की सोच ही रहा था तभी मुझे पीछे एक बंदा दिखता है जिसको मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया था और इस वाले बंदे के हाथों जो मैं मरता हूं भाई साहब क्या ही बताऊं। यहां पर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने गन सेलेक्ट की 3-4 बार बट गन हाथ में आई ही नहीं। होता क्या सीन है वो आप देखो, जो बंदा था वो सुपर पावर का यूज करते हुए स्मोक वगैरह करते हुए निकल गया था आगे की तरफ, मैंने सोचा चलो सीधा पुश करते हैं। अब यहां पर मैंने गन सेलेक्ट करने की बहुत कोशिश की, दोनों गन मेरे पास ओपी ओपी थी। देखो भाई मुझे पता था बंदा वहीं पर खड़ा हुआ है क्योंकि मेरे सामने वो क्रॉस किया था, बट मैंने गन पकड़ने की 2-3 बार कोशिश की, मेरी गन हाथ में ही नहीं आई। अब यहां पर मैं क्या ही बोलूं यार, बिना गन के कैसे मारूं बंदे को। भाई बंदा सामने था मेरे, मुझे लोकेशन पता भी थी बट गन ही नहीं सिलेक्ट हुई यार, क्यों हर बार ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बट टेंशन मत लो, आपका भाई इस वाले मैच में चिकन डिनर करता है, कैसे करता है वो देखो। सबसे पहले मैं गाड़ी पे उतरता हूँ एंड गाड़ी लेके निकल जाता हूँ एक अच्छी सी लोकेशन पे होल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे फाइट नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ होल्ड करना था। तो यहाँ पर होल्ड करते हैं थोड़ी देर। अब काफी देर से यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा था, जोन बन चुका था थोड़ा सा आगे एंड यहाँ पर आप जोन देख सकते हो भाई कितना छोटा हो गया। अभी जोन में निकलते हैं एंड उसके बाद कैसे हम चिकन डिनर निकालते हैं वो देखो आप। अब जैसे ही मैं बग्गी लेके जोन में निकल रहा था मुझे काफी गाड़ियां दिख रही थी रास्ते में जिनको मैं मारने की कोशिश कर सकता था, बट मैं कोशिश करता नहीं हूँ। अब यहाँ पर BRDM दिख रही थी तो मैंने सोचा BRDM उठा के निकलते हैं क्योंकि एंड जोन में काफी काम आती है ये, और यहाँ पर देखना कितने बंदे बचते हैं। यार आज वाले मैच में मेरी किस्मत इतनी गंदी क्यों थी, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता मेरी किस्मत ही ऐसी है या आप सबके साथ भी ऐसा होता है। देखो यहाँ पर मेरे सामने बंदा सुपर पावर यूज कर रहा है, मैं उतरता हूँ एंड ये देखो भाई कितना डैमेज दिया यार, आज वाले मैच में सब बंदे 10-10, 20-20 HP क्यों बच रहे हैं भाई, क्या किस्मत है यार। अब यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास हेल्थ भी नहीं है, सिर्फ बैंडेज है, ना हेल्थ किट है ना मेरे पास कोई ड्रिंक है। अब मैं तेजी से कूद गया, मेरी हेल्थ भी कम हो गई। अब यहाँ पर देखो मेरे साथ होता क्या है, अब हेल्थ तो मेरी कम हो गई थी, वो बंदा फाइट करने के मूड में था नहीं, शैक से बाहर निकल नहीं रहा था, ऊपर में मैं रिस्क ले नहीं सकता था। तभी मुझे एक और बंदा दिखता है जिसे मैं मारने की कोशिश करता हूँ, देखो इसे भी डैमेज ही दिया मैंने सिर्फ, और यहां पर ये भी प्रीफायर देता है मैं भी प्रीफायर देता हूं।
बट वो मुझे मार नहीं पाता। अब यहाँ पर मेरे पास नेड थे बट मैंने दिमाग पहले नहीं लगाया। अब यहाँ पर मैं इसे नेड मारता हूँ, तभी मेरे को पीछे से भी पड़ने लग गई थी एंड दोनों तरफ से चटनी बनने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि BRDM लेके इधर से निकलते हैं पहले कवर में, जो अपने पास बैंडेज वगैरह है बैंडेज लगाते हैं एंड थोड़ी देर यहीं पर हम होल्ड करते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या ही बचाऊँ, देखो मेरी HP भाई साहब। अब यहाँ पर आगे होता क्या वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं बैंडेज वगैरह लगा ही रहा था तभी मुझे बंदा उड़ता हुआ दिखता है। बंदे को हल्का सा डैमेज देता हूँ बट बंदे को मार नहीं पाता। अगर वो थोड़ी देर और उड़ता रहता तो शायद मैं मारने की कोशिश कर सकता था। अब यहाँ पर हेल्थ वगैरह लगाते हैं, जोन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, फिर निकलते इधर से। एंड इस वाले मैच में तो सिर्फ डैमेज ही दिया भाई, अभी देखना होता क्या है। अब मेरे पीछे की तरफ भी बंदा था, आगे की तरफ भी बंदा था, तो यहाँ पर जो भी बंदा मेरे सामने आएगा उसे मारने की कोशिश करेंगे। तभी मुझे सामने वाला बंदा दिखता है, बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ बट मार नहीं पाता। VSS का फायदा, उसको मेरी लोकेशन नहीं पता चली होगी। भाई कितना डैमेज दिया यार मैंने, कितना डैमेज दिया। क्यों भाई BGMI वालों, सबको 5 लेवल की वेस्ट दे दी है क्या, मेरे अलावा सबको? भाई पागल वागल है क्या ये गेम वाले, कितना डैमेज खाएंगे बंदे यार, मतलब कितना मारूं मैं भाई। मेरा मूड खराब हो रहा है, मूड। अब यार मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो आगे देखो क्या होता है। अब यहाँ पर मुझे सामने वाले वेयरहाउस में एक बंदा दिखा, मैंने स्कोपिंग किया तब वो गायब हो गया। मुझे लगा शायद उसने मुझे नहीं देखा होगा, मैं पीछे वाले को देखने की कोशिश कर रहा था तभी मेरे को पड़ती हूँ। भाई क्या ही बचाऊँ भाई, मतलब इस वाले मैच में मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैं 10-10 HP बार बार बच रहा हूँ और भाई मैं बंदों को मार रहा हूँ वो भी 10-10 HP बच रहे हैं, मतलब इस वाले मैच में कोई ग्लिच था क्या? भाई साहब अब पीछे वाले बंदे को निकलना पड़ेगा, मुझे पता था क्योंकि जोन आ रहा था। तो यहाँ पर मैं पीछे वाले बंदे का वेट करता हूँ, मुझे भी जोन में निकलना था। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद बंदा मुझे दिखता है जो कि पता नहीं क्या कर रहा था। इस वाले बंदे को आराम से मार देता हूँ। इस वाले बंदे को मारने के बाद अब मुझे निकलना था जोन में, तो मैं सुपर पावर यूज करते हुए तेज भागते भागते जोन में पहुंच जाता हूँ। अब जैसे मैं जोन में आ रहा था तभी मुझे वही बंदा मारता है जिसे मैंने डैमेज दिया था एंड यहां पर देखना क्या होने वाला है। इस वाले बंदे को मैं आराम से मार देता हूँ, ये बंदा सामने वाले को आराम से फिनिश कर सकता था बट मैंने बीच में रुकावट पैदा कर दी, उसी बंदे को मार दिया जो सामने वाले को मार रहा था। अब यहाँ पर मेरे पास देखोगे तो कुछ भी नहीं बचा था, गोलियाँ भी ख़त्म होने वाली थी और हेल्थ तो थी ही नहीं शुरू से, सिर्फ बैंडेज थी जिसे लगा लगा के अभी तक मैं ज़िंदा था। अब मुझे निकलना था जोन में, वो भी सामने, और सामने हो चुका था स्मोक एंड यहाँ पर भाई क्या ही दोबारा से किल जाने वाला। देखो सामने दो बंदों की भसड़ होती है, मैं बीच में थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ बट यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी काम की नहीं थी। अब सामने वाले बंदे ने मार दिया था, आखिरी बंदा वो था मैं था, उसको मेरी लोकेशन का पता था, मुझे उसकी लोकेशन का पता था, इसलिए मैंने सोचा चलो इधर से निकलते हैं सामने की तरफ। अब भागते भागते मैं जोन में तो आ गया था बट यहाँ पर नेड की बारिश करने लग गया था बंदा। अब इस वाले बंदे को मैं मार पाता हूँ या नहीं मार पाता वो देखना, मैं प्री फायर देता हूँ। बंदा नेड पे नेड कर रहा था एंड यहाँ पर मैं कैसे बचा हूँ मुझे ही पता है भाई। अब यहाँ पर होता है क्या वो देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, आप फाइट को इंजॉय करो। भाई साहब अगर मैं यहाँ पर नहीं लेटता तो उसकी शॉटगन की एमो जरूर मेरे मुंह पे आके लगती, बट किसी तरीके से यहाँ पर हम चिकन डिनर निकालते हैं। भाई मज़ा आया, किल्स ज़्यादा नहीं है बट अगर 10-10 HP 20-20 HP ना बंदे बचते ना तो 13-14 किल तो होते। आप भी इस बात से एग्री करते हो, आपने पिछले जितने भी गेम प्ले देखे होंगे सब में मेरे 11-12-13-14-15 किल होंगे बट ये पहला गेम प्ले है इस वाले सीजन का जिसमें मेरे 8 किल हैं, बट इस वाले मैच में अपना चिकन डिनर हुआ, काफ़ी अच्छा मैच गया तो मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए। आपको मैच कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना, मुझे तो काफी मजा आया। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।